गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 7C फ्रेम इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग सीखने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होता है। ऐसे समझ लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ये एक बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तक तो हमारे पास इक्वेशन दिया गया होता और हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब हमारा काम है पहले इस सेंटेंस से ऐसे इक्वेशंस बनाना, फिर उसे सॉल्व करना। तो ये एकदम बेसिक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको आगे चलकर 8th, 9th, 10th में वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिख लिया है, एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने सेंटेंस है, 6 times अ नंबर एडेड टू 10 इज 58। पहले तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, इसका मतलब है इक्वल टू, इंक्रीज्ड का मतलब है एडिशन, और डिक्रीज्ड का मतलब है सब्ट्रैक्शन, और टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इक्वल टू, इस मींस इक्वल टू, इंक्रीज्ड मींस प्लस, डिक्रीज्ड मींस सब्ट्रैक्ट, एंड टाइम्स मींस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ है 6 times अ नंबर। अब हमें वो अ नंबर क्या है हमें पता नहीं है, तो हम उसे मानेंगे x। सो 6 times मतलब 6 times की जगह पे अब हम क्या साइन डालेंगे? मल्टीप्लीकेशन। और 6 times अ नंबर हमें पता नहीं कौन सा नंबर, तो हम मानेंगे x। एडेड टू 10, एडेड के लिए प्लस, एड क्या किया है 10। Is 58, is मतलब क्या बच्चों? Equal to 58, बस। अब हमें पता है 6 into x क्या हुआ, 6x plus 10 equals to 58। अब यहां सिर्फ फ्रेम करने को कहा गया है, सॉल्व करने को नहीं कहा है, तो हम बस इधर ही छोड़ देंगे। हमने इक्वेशन सेंटेंस में से बना लिया है, बस इतना ही बच्चों, है ना, आसान। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर, अ नंबर हमें पता नहीं, तो हम अ नंबर मतलब जो पता नहीं उसे हम क्या लेते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एक्स ही लेते हैं। डिक्रीज्ड बाय 10, अब डिक्रीज्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? माइनस। डिक्रीज्ड बाय 10 इज मतलब इक्वल टू 40, बस इसे और हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इक्वेशन बना लिया है। नेक्स्ट, अ नंबर वी डोंट नो, सो वी विल राइट इट एज एक्स। इंक्रीज्ड बाय 8, इंक्रीज्ड मतलब एडिशन, बाय 8 इज इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 48, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये अ नंबर इज, अब इज इधर ही आ गया है। ठीक है, इज मतलब हमें पता है इक्वल टू, अ नंबर मतलब क्या बच्चों? हर जगह हम अ नंबर को क्या ले रहे हैं, एक्स। वेरी गुड, अ नंबर इज की जगह इक्वल टू 4 times अनदर नंबर, 4 times मतलब 4 into अनदर नंबर, अभी अनदर नंबर को भी हम एक्स ही लेंगे। ठीक है, सो ए नंबर इज 4 times अनदर नंबर। तो यहां से यहां तक का मीनिंग, अ नंबर इज 4 times अनदर नंबर। तो क्या मैं इस 4 into x को 4x लिख सकती हूँ? बरोबर, अब एक नंबर है x और दूसरा नंबर है 4x। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देयर सम इज 30, मतलब इन दोनों का एडिशन 30 है। देयर सम मतलब इन दोनों का एडिशन, देयर सम दैट मीन्स फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का सम इज के लिए हम क्या लगाते हैं, यस इक्वल टू, देयर सम इज 30, दैट्स ऑल चिल्ड्रन। क्या आपको ये इजी लग रहा है अभी बच्चों? जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ नंबर इज, सो अ नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्स। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू
8 टाइम्स अनदर नंबर, 8 टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई, अनदर नंबर भी हम x ही ले रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ x इज इक्वल टू 8x, राइट, क्योंकि 8 इंटू x इज 8x, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है देयर डिफरेंस इज 42, जैसे पहले सम में सम था, सम के लिए एडिशन, सो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 42। अब डिफरेंस के लिए हमें पता है बच्चों कि बड़ा नंबर ही पहले लिखना है, तो 8x तो बड़ा है और x छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस, देयर डिफरेंस इज के लिए इक्वल टू 42। सो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन के लिए हाफ ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन ट्वाइस द नंबर, तो यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ बच्चों। देखिए अगर मैं कहूँ 2 लेस देन 10, ठीक है, 2 लेस देन 10 का मतलब है 2 10 से कम, ओके, सो 2 लेस देन 10 हम कैसे लिखेंगे, 2 लेस देन 10, देखिए मैं कैसे जा रही हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए, हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 लेस देन 10, नहीं ये गलत हो जाएगा। 2 लेस देन 10 मतलब कोई बड़ा चीज है, कोई बड़ा नंबर है जिससे 2 कम है, तो जो हमेशा लेस के लिए तो हम बड़ा नंबर ही पहले लिखते हैं, सो 2 लेस देन 10 मतलब पहले हम 2 लिखेंगे लेस देन 10, या तो फिर आप 10 माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मीनिंग देखिए मैं कैसे फॉर्म कर रही हूँ, 2 लेस देन 10, ठीक है, बस ये याद रखना है। और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है, जैसे टाइम्स के लिए हम मल्टीप्लाई करते थे, ऑफ वर्ड आएगा तो भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो, तो अब मैं इधर वही यूज करने वाली हूँ, हाफ ऑफ अ नंबर, तो मैंने अभी बताया ना बच्चों ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, जैसे हाफ टाइम से नंबर भी सेम है, हाफ ऑफ अ नंबर भी सेम है, सो हाफ मतलब 1/2, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर, अब तक हम ए नंबर को क्या लेते आए हैं x, is मतलब इक्वल टू 21 लेस देन ट्वाइस द नंबर, तो मैं कैसे लिख रही हूं देखिए, 21 लेस देन ट्वाइस द नंबर, सिर्फ नंबर नहीं, सिर्फ नंबर होता तो मैं x लिखती, ट्वाइस मतलब दो गुना, सो द नंबर को तो हम x ले रहे हैं, सो ट्वाइस द नंबर क्या हुआ बच्चों, दो गुना मतलब 2x, या आप 2 इंटू एक्स भी ले लीजिए, ठीक है। हाफ ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन ट्वाइस द नंबर, क्योंकि ट्वाइस द नंबर बड़ा होता है, ठीक है, तो वो हम पहले लिखेंगे और फिर लेस के लिए ये साइन और ये 21, आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलिए। अब इसे और भी सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में है 1 और न्यूमरेटर में है x, सो 1 इंटू एक्स एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ, है ना, 7 वन जा 7, 9 वन जा 9, एक्स वन जा एक्स, ठीक है, सो 1 इंटू एक्स एक्स बाय 2 इज 21 लेस देन ट्वाइस द नंबर, ठीक है। जब भी आपके सामने लेस देन आए, सो 21 लेस देन मतलब शुरू कर दीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ, 5 लेस देन 15, 5 15 माइनस 5, ठीक है, 5 लेस देन 15, 20 लेस देन 50, ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट है बच्चों, कॉस्ट ऑफ अ बुक, सो हमें पता नहीं कॉस्ट ऑफ अ बुक क्या है, तो हम x मानेंगे, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन, हम ट्वाइस के लिए क्या कर रहे थे 2x, ट्वाइस मतलब दो गुना ज्यादा है, तो ये कॉस्ट ऑफ अ बुक हो गया और ये ट्वाइस दैट ऑफ अ पेन, तो ये पेन का वैल्यू हो गया, सो जो बुक है वो पेन से डबल है, ऐसे कह रहे हो, ठीक है। द पेन एंड द बुक टूगेदर कॉस्ट ₹40, टूगेदर मतलब क्या, जोड़ना है, पेन को ले लीजिए और बुक को ले लीजिए,
और दोनों का मिलाकर कॉस्ट है 48। तो ये है आपका आंसर। बच्चों अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेस कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।